बैकग्राउंड तैयार है। नकुल मेरे को रील में ले रहा है, बहुत बड़ा फोन तो मेरे पे है। भी ना पढ़ना आएगा ना, ना स्पेलिंग लिखा है। आओ और एंजॉय करो भाई, केक कटिंग करो। पहले स्पेलिंग में गलती हुई, विजय थप्पड़ लगा मन्ने क्यों नहीं। हेलो जी, राम राम, नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने एक और नए ब्लॉग में। अभी फिलहाल माता जी तो कर रही है कणक की सफाई, गेहूं की सफाई। अरे मम्मी, या खान वाली कोनी? खान वाली है, ये ऊपर दिया। हाँ तो खान वाली, लेकिन इसकी खावा कोनी अबे, इसकी उगावांगे अबे, तो उगावांगे अबे, बताओ अभी। और वो उगाने वाली साफ कर दी तो भाई अपने खेत में 2 किले में तो उगा दी, और जिसमें रह रही है उसमें भी उगावांगे, जिसके अंदर नहीं उगाई उसमें भी उगा देंगे गेहूं। ये है खुशबू, इसको आप जानते नहीं होंगे, मैं बता देता हूँ, ये हमारे ब्लॉग में बहुत वो आती है। और यार शाबत ब्लॉग में तो यहाँ इसने नहीं भी लिया, इसकी नहीं भी लिया ब्लॉग में, दिक्कत है, अपना फेस घुसा देगी। देख माँ कुर्सी पर चप्पल देगी, देख इसकी खड़ा ना कर मेरा मम्मी, कुछ भी करे तुम्हें क्या, फका दे भी पड़ोसियों के। अभी दोस्तों मैं कुछ ऐसी हरकतें करने वाला हूँ जिससे कि मम्मी गुस्सा हो जाएगी। लाए फोन पकड़ खुशबू, हमारे गाइस को हम हंसाएंगे। ओए भाई, इस गांव तो बच के रही है, नहीं तेरे पछवाड़े पे मार देगी ये सिंह, है ना मम्मी। अभी हम गौ माता को अंदर बांधेंगे, और हमारी गौ माता है बेहद बेहद अच्छी है, बट अब देखना कैसी है। हाँ, डंडा भी ले ले, तबाही कर देती है गौ माता, तबाही, इसलिए मेरे को डंडा लेना पड़ेगा ताकि गौ माता। और गाइस मैं यहाँ पे साइड में कॉर्नर में जाके खड़ी हो जाती हूँ, डरपोक बच्चे ऐसे ही करते हैं। डंडा की तैयार, देख ले मैं खोल के ना। एक मिनट रुको मम्मी, डंडा तो ले आने दो इसने। दो डंडा मारा हाथ रखो, बस डरा हाथ रहा इसी, देख के गौ माता। मम्मी देखा, बिना डंडा मारे, बस डंडा ऐसे लेना होता है जिससे गौ माता एक बार डर जाए, फिर आराम से बन जाती है। अब बाछी जी अंदर क्या करेगी, अपना स्थान प्रस्थान कर रही है। बाछी नहीं बांध दियो भाई, अपने स्थान पे प्रस्थान करेगी हमारी। तो हम ग्यारह बीच प्रस्थान करते रही स्थान पे। अरे गाइस एक और चुड़ैल आ चुकी है, एक और चुड़ैल हमारी। और दोस्तों ये आप देख रहे हो, ये जो भी टोड़ा मम्मी मैं मारोगे के कुकर हो। नकुल तुम्हारे पिछवाड़े पे लगना तय हो चुका है। और ये जो आप देख रहे हो बिटोड़ा, ये दिनों दिन भी जमा के दिन तक रही है। मतलब एक बात है, हमने ना हमारे पड़ोसियों का गोबर बढ़ा दिया नहीं मम्मी। जो मम्मी मेरा के बोली अपनी गाय का जो यहाँ पे गोबर था नहीं, उन्होंने बोला इसमें डाल दे, इनका बच जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा नहीं मम्मी। ये बिटोड़ा जो दिनों दिन वृद्धि वृद्धि में चल रहा है, बड़ा ही और बड़ा होता जा रहा है, ये हमारा नहीं है, ये मैंने पहले ही बताया था भाई। प्रगति भाई और का ठीक है, और वो जब बेचेंगे ना इसको तब यहाँ से उठा लेंगे, उनकी जगह है नहीं इन पे, कम जगह तो हमारे यहाँ पे वो डर दिया है। चलो दोस्तों घर पे चलते हैं। खबरी की बात है, आज नकुल मेरे को रील में ले रहा है, बहुत बढ़िया बात है मेरे लिए। और आ जाते हैं कहाँ से, मैं थी नहीं मम्मी, मम्मी ने कहा इसने रील में ले लेनी, और रील में भी कौन ले, आपकी बेबे ने भी कौन ले सकता है रील में। कितनी तो रील बना ली साबत ब्लॉग मांग लगे रही, इसके ऊपर के बताऊंगा नहीं मम्मी। इंस्टाग्राम पे तो कौन है, इंस्टाग्राम पर क्या तुमने बताई मम्मी, वो एक एक रील में देखते आगा पकड़ा रखा था नहीं। माँ तो नहीं थी, चलना भी कौन सिखाया देख। चलो गाइस अभी हम रील बनाने के लिए चलते हैं। कितने जाओगी, फोन तो मेरे पे है। जाओ भाई दो मुंह दो, मैं हमारे बिना कौन सी रील बन जाएगी, फोन तो हमारे पास है ना, जाओ धो लो अभी मुंह भी बाहर धो ले मुंह, जल्दी धो लो भाई। चलो चलते हैं फिर रील बनाते हैं, एक मस्त फनी सी रील बनाते हैं आज। जाडे आगे भाई, तो यह बकान जो है यह भी छांगनी पड़ेगी, समझ रहे हो, छांगनी पड़ेगी छांगनी, फिर इसके नए पत्ते आ जाएंगे मस्त मस्त है। और क्या करना मम्मी, काम तड़का तड़का करना है जो काम, ठीक है, तड़का छांगा है अपनी बकान में,
ठीक है, जो पीले पीले पत्ते हो रहे हैं ये सारे छांग देंगे, फिर नए पत्ते आ जाएंगे सर्दियों में। हैं? डाली काटनी, डाली के हाँ मतलब डाली छांग देंगे, डाली पत्ते को मैं डाली छांग देंगे, फिर बढ़िया बढ़िया डाली आ जाएगी, है नी। तो कल करेंगे, कल करेंगे कल छांग देंगे इसको। आ गए हैं जी घर पे, अभी आ चुके हैं किसी खास जगह पे। आज कुछ खास है, और आज कुछ खास क्या है ये हाजी, ये दिखा भी ये। आज हाजी हैप्पी बर्थडे अपने खास मित्र का भाई के बाहर, तेरा को नहीं मैं अपने साथ फ्रेम में दिख रहा है, इसका नहीं है ये, अपना खास मित्र को नहीं है, तो अपना खास भतीजा है अपना। विनय भाई का बर्थडे आज, तो अभी विनय भाई घर पे हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। पहले तो यहाँ पे घर पे छोटा सा प्रोग्राम रहा, केक कटिंग का देंगे विनय को, ये देंगे पहले तो घर पे केक कटिंग का प्रोग्राम रहेगा, ठीक है। केक का कट के फिर चलेंगे यार दोस्त बाहर, तो वहां पे जाने नहीं, तो मैं वहां पे तो ब्लॉगिंग करूंगा, लेकिन अपने परिवार में घर पे करेंगे नहीं, केक काटेंगे, तो यो ब्लॉग बनावे, ठीक है। हैप्पी बर्थडे भाई, थैंक यू। कमेंट भर दो हैप्पी बर्थडे दे, अरे बस दिल वाली इमोजी ले दो हैप्पी बर्थडे, यार केक वाले ले दो। ना ना मैं तुम दिखाऊंगा, यो छोरा है वो अलबैद करा कर आपका भाई, लड़ाया कर इसका जन्मदिन पे, इतना प्यार दिखा रहा, क्या बात भाई। यहाँ पे भाभी जी खाना बना रही, कुछ कहना चाहोगे भाभी जी आप? आज विनय का बर्थडे है, आओ और एंजॉय करो देसी। यो है दूर भाई बनने के लिए तैयार ना, ना यो ओए भाई, ओ लड़े आगे सब साल, तो आज दिन बड़ा प्यार दिखा रहा है। तो भाई अपने भाई के लिए, भाई ने तैयार है के माला पैर ली थी, एक राउंड गाल में मेरा। हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मी, भैया कर दीजिए हैप्पी बर्थडे टू यू। आज मुझे पागल हुआ, ए, ए, इतनी खुशी भाई का बर्थडे। आ बस देले स्पेलिंग में गलती हुई, मुझे एक थप्पड़ लगा, स्पेलिंग सही है, ओके रिपोर्ट लगा दी भी थी, बना बना वो स्पेशल है, आओ भी लगा भी देती। लो भाई बैकग्राउंड तैयार है, मस्त मस्त क्यूट क्यूट बुला ले, करो भाई गुब्बारा, करो भाई केक कटिंग करो, ब्लॉग स्टार्ट है। हां बर्थडे बॉय को बुलाओ, चलो हैप्पी बर्थडे टू यू विनय जोगी। अरे हैप्पी बर्थडे थोड़ा सा टिक्का लगाइए ना सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। मत उठी है, गिफ्ट है भाई, गिफ्ट है भाई, हैप्पी बर्थडे भाई, हाथों से बनाया भाई, खुद बनाया भाई, थैंक यू। किसका है मरने क्यों? हाँ जी गाइस, आ चुके हैं घर पे और वहां पे बहुत ज्यादा एंजॉय किया। सो अभी फिलहाल रात का टाइम, उसका इस व्लॉग को तो करता हूँ मैं ही पेंड, आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में, थैंक्स फॉर वाचिंग, लव यू ऑल, बाय 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 बाय, आज के लिए इतना ही।